नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अपने नए चैप्टर के बारे में जो रिलेटेड है शैशवावस्था में पाचन संबंधी समस्या। यानी कि हम लोगों ने शिशु जन्म की बात कर ली, शिशु के जन्म के बाद उसके किस प्रकार देखभाल की जाती है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब बालक की शैशवावस्था चल रही होती है, यानी कि जन्म होने के बाद नवजात शिशु कौन कौन सी पाचन से रिलेटेड समस्याओं का सामना करता है, जिसमें कुछ बीमारियों के बारे में बात की गई है। जिसमें सबसे पहली बीमारी है वो रिलेटेड है अतिसार यानी कि डायरिया। सबसे पहले हम लोग जो बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है डायरिया की। अब डायरिया क्या होता है? शैशवावस्था में अतिसार होना एक सामान्य सी बात है। जीवन के प्रथम माह में यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो एक माह का जो शिशु होता है उस शिशु का दिन में 2 या 3 बार मल त्याग करता है। इसके बाद के महीनों में जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाएगी वह केवल 1 या 2 बार ही मल त्याग करता है। यानी कि अगर हम जनरली देखें जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के तुरंत बाद यानी कि जो प्रारंभिक 1 महीना होता है यानी कि जो पहला महीना होता है उस महीने में बालक 2 से 3 बार क्या कर जाता है, टॉयलेट करता है। लेकिन जैसे जैसे फिर वह बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, इनमें कमी आने लगती है। अब ये जो अतिसार होता है यानी कि डायरिया, दस्त लगना, ये किस कारण से होता है? सबसे पहला कारण हो सकता है कि यदि शिशु का जो पोषण है माता के दूध द्वारा होता है तो वैसे बच्चे में अतिसार होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती है। यानी कि जब बच्चे को पोषण सीधा माँ से मिल रहा है, यानी कि माँ का जो दूध बच्चे को पिलाया जा रहा है वो सीधा दूध माँ का दूध ही बच्चे को पिलाया जा रहा है तो अतिसार होने की संभावनाएँ कम रहती है। लेकिन कृत्रिम दूध यानी कि उसको बॉटल का दूध पिलाया जा रहा है, यानी कि माँ के दूध के अलावा बाहर का जो पैकेट वाला दूध होता है या पाउडर का जो दूध होता है वो पिलाया जा रहा है तो बच्चे में जो डायरिया होने, पाचन संबंधी जो समस्या है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो इतने दिन तक 9 महीनों तक माँ के गर्भ में रहकर क्या कर रहा था, अपना पोषण प्राप्त कर रहा था। और जब उसका जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद वह बच्चा सिर्फ माँ के दूध को ही पचा पाता है, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ माँ के दूध को पचाने तक ही सीमित रहता है और वो धीरे धीरे अन्य चीज़ों को पचाने में सक्षम हो पाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर उस बच्चे को बाहर से कोई दूध पिलाया जा रहा है यानी कि कृत्रिम दूध बाहर से पिलाया जा रहा है तो उस बाहर के एनवायरमेंट के प्रति जो बालक का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्रिया नहीं कर पाता। इसके लिए जब बच्चे को कृत्रिम दूध पिलाया जाता है तो उस समय उसमें डायरिया की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो पाचन तंत्र है वो उसको पचा नहीं पाता है। क्योंकि प्रारंभ में शिशु की जो पाचन प्रणाली होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है तो वह केवल माँ के दूध को ही पचा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है गाय या फिर भैंस का जो दूध बच्चे को पिलाया जाता है तो उससे भी अतिसार की संभावना बढ़ जाती है। अब अतिसार की संभावना गाय और भैंस के दूध से क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये दूध बहुत हैवी होता है, क्योंकि माता न तो पूर्ण रूपेण अच्छी प्रकार से दूध को परिष्कृत करती है और न ही दूध के संगठन को अनुपात सही अनुपात में रहता है। यानी कि जो माँ का दूध होता है उसमें सारे पोषक तत्व इक्वल अमाउंट में नहीं होते, ना ही जो माँ का दूध होता है वो सबसे अच्छे प्रकार का यानी कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दूध सिक्रेट करता है। जबकि जो गाय और भैंस का जो दूध, गाय का दूध होता है वो पूर्ण रूप से पौष्टिक होता है और जो भैंस का दूध होता है उसका जो दूध का संगठन होता है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है तो बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो उस दूध को सही तरीके से पचा नहीं पाता है। क्योंकि गाय व भैंस के दूध में जो फैट पाया जाता है, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो फैट के जो कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं। यानी कि फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े साइज में पाए जाते हैं, जिसको शिशु आसानी से पचा नहीं पाता है और वह उसको पाचन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करता है। जो गाय का जो दूध होता है उसमें कैसिनोजन प्रोटीन होती है, ये क्या है, प्रोटीन है कैसिनोजन, बहुत अधिक मात्रा में रहती है जिसको कठिनाई से पचाया जाता है। यानी कि कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। फिर देखते हैं हम लोग कि बोतल से दूध पिलाने के बाद यानी कि जब बच्चे को बोतल से यानी कि बाहर से दूध पिलाया जा रहा है के पश्चात अगर बोतल को सही प्रकार से धोया नहीं जा रहा है, यानी कि सही प्रकार से धोने के बाद भी वह बोतल गंदी है या फिर साफ सुथरी नहीं है तो उससे भी क्या हो जाएगा, उसमें जीवाणु पनप जाएंगे यानी कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाएंगे, फिर जिससे क्या हो जाएगा, बच्चे में पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती है। बच्चे को दूध पिलाने में दोष, दूध के संगठन व अत्यधिक मात्रा में दूध पिलाने के कारण भी क्या हो सकता है, अतिसार हो सकता है। यानी कि डायरिया और किन कारण से हो सकता है, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में दूध पिलाया जा रहा है
यानी कि हमने कोई निश्चित समय अंतराल नहीं रखा है, जब भी टाइम मिला जब भी फ्री हुए सीधा बच्चे को दूध पिला दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, जब उसके पेट में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकती है, अपच, यानी कि भोजन पचता नहीं है। तो उसी तरीके से बच्चे में जो दूध है वो भी पचना कम हो जाता है। जीवाणु विषाणु शिशु की जो आंत होती है उन पर आक्रमण कर देते हैं और फिर उन्हें क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे शिशु को अतिसार यानी कि डायरिया हो सकता है। शिशु को अगर ठंड या फिर लू लग जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी उसे क्या हो जाती है, डायरिया की समस्या होने लग जाती है। तो अभी हमने कारण देखे डायरिया किन कारण से हो सकता है, बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जा रहा है, या फिर बच्चे को गाय या भैंस का दूध पिलाया जा रहा है, या फिर हम लोगों ने देखा कि जो बॉटल यूज़ कर रहे थे वो साफ़ सुथरी धुली हुई नहीं है, इन्फेक्टेड है, तब अतिसार हो सकता है। जो दूध है वो सही मात्रा में नहीं पिलाया जा रहा है, आँत पे इफेक्ट हो जाता है, और यदि बच्चे को ठंड या फिर लू लगी होती है ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकती है, दस्त की समस्याएँ हो सकती है। फिर है, अब इस अतिसार को किस प्रकार कम किया जा सकता है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं डायरिया होने पर। अतिसार से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन बच्चों को अन्य बालकों से अलग रखना चाहिए, यानी कि जिन शैशवावस्था के बच्चों में अतिसार की समस्या है यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम हो चुकी है उन्हें अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए। फिर जब तक उनकी दस्त यानी कि उनका ये डायरिया बंद नहीं हो जाता उन्हें गाय या भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या करवा सकते हैं, शिशु को स्तनपान करवा सकते हैं। उबला हुआ पानी बार बार पिलाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि निर्जलीकरण यानी कि बॉडी में पानी की जो मात्रा है वो कम नहीं हो जाएगी। ठंड के कारण अगर शिशु को दस्त लग रही है तो उसे जायफल घिसकर शिशु को देना चाहिए, यानी कि अगर शिशु को ठंड के कारण दस्त लग रही है तो ऐसे कंडीशन में जो जायफल होता है, फ्रूट होता है, उसको क्या करना चाहिए, शिशु को देना चाहिए। बच्चे को चावल का पानी, दाल का पानी, टोमेटो सूप या फिर जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनको उबाल कर फिर उनका रस निकाल कर वो बच्चों को पिलाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी, क्योंकि अतिसार डायरिया होने पर बॉडी को डिहाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक दस्त नहीं रुकती बच्चे को संतरे का जूस और जो मछली का तेल है वो नहीं देना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं हम कॉड लिवर ऑयल, ये नहीं देना चाहिए। तो ये बातें होती हैं डायरिया के समय ध्यान रखने की। फिर उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन आती है कब्ज, यानी कि भोजन का न पचना। स्तनपान करने वाले जो शिशु होते हैं उनमें जो कब्ज होती है वो बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है। कब्ज का जो मुख्य कारण होता है शिशु को ऊपरी दूध देना होता है, यानी कि जब बच्चे को ऊपरी दूध पिलाया जाता है, क्योंकि माँ का जो दूध होता है, क्योंकि बच्चे का जो पाचन तंत्र है उसे माँ के दूध को ही पचा सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अतिसार में डायरिया में कि जो डायरिया होता है, डायरिया में जब बच्चे को बाहर का दूध पिलाया जाता है तो वो बच्चे की जो पाचन तंत्र है वो उसको पचा नहीं पाता, तो ऐसे कंडीशन में उसे डायरिया हो जाता है। तो इसी तरह हम बात करें कि जब बच्चे को बाहर का दूध पिलाया जाए तो उसका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पा रहा है, और जब वह भोजन पच नहीं पाएगा तो वो शरीर में उसी अमाउंट में पड़ा रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कब्ज कहते हैं। यानी कि जब बच्चे को बाहर से दूध पिलाया जाता है तो बच्चे में कब्ज की समस्या होने लग जाती है, और अपर्याप्त दूध या फिर अपर्याप्त आहार के सेवन से भी शिशु को कब्ज का रोग हो सकता है। यानी कि बच्चे को या तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना खिलाया जा रहा है यानी कि दूध पिलाया जा रहा है, या फिर बहुत ही कम अमाउंट में जितना कि वो चाहता है, यानी कि जितनी उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा या फिर कम अमाउंट में अगर दूध पिलाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है। यदि शिशु 2 या 3 दिन के पश्चात में मुलायम व आसानी से निकलने वाला मल त्यागता है तो उसे कब्ज नहीं कहेंगे। ऐसे शिशु के आहार का पूर्ण शोषण हो जाने के कारण होता है, अतः ऐसे दशा में माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। कब्ज में मल कठिनता से एवं कष्टपूर्वक निकलता है। कभी कभी मल त्याग करते समय गुदा के पास की जो श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी फट जाती है, जिससे ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है। अब ये जो कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये किस कारण से होता है, इसमें सबसे पहला रीज़न हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने बात की कि अपर्याप्त मात्रा में दूध पिलाने से, यानी कि बच्चे को अगर अपर्याप्त मात्रा में यानी कि रिक्वायर अमाउंट से ज़्यादा या फिर कम में अगर दूध पिलाया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कब्ज की समस्या हो सकती है। बाहर से दूध पिलाया यानी कि कृत्रिम दूध पिलाया जा रहा है, आहार में प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यानी कि कैसेजन प्रोटीन होती है दूध में, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तब भी कब्ज की समस्या हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए उसका जो पाचन तंत्र है इतना अभी तक विकसित नहीं हुआ है कि वह उस प्रोटीन को पचा पाए। दूध में जब फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल का कम से कम सेवन करने पर, यानी कि जब बॉडी में
पानी की कमी हो जाती है, जल की मात्रा कम हो जाती है, तब भी क्या हो सकती है, हमारे कब्ज़ की समस्या बच्चों में हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में जो हरी सब्जियां व फल नहीं होने पर, यानी कि जब बच्चों को रिक्वायर्ड अमाउंट में ना तो फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं ना ही जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व तो प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नेसेसरी होते हैं। अगर ये बच्चों को प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो उनके शरीर में उनकी कमी हो जाएगी, और जब इनकी कमी हो जाएगी तो शरीर है वो धीरे धीरे अपनी जो प्रोसेस है वो स्लो कर देता है। अगर माता पिता को कब्ज़ है तो शिशु को भी कब्ज़ हो जाती है। और फिर है असंतुलित भोजन, यानी कि सभी पोषक तत्व अगर समान मात्रा में उसे नहीं दिए जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी जो कब्ज़ की कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो हो सकती है। अब इसके लिए हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं, यानी कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए हम लोग शिशु को पर्याप्त मात्रा में पानी व फलों का रस पिलाना चाहिए। 6 से 12 महीने का जो शिशु होता है उसको फलों को स्टीव करके देना चाहिए, बिना मिर्च मसाले युक्त सब्जियों को पकाकर खिलाया जाना चाहिए, यानी कि कम मसालों में या फिर बिना मसालों के बच्चे को फल से पकाकर या फिर उबालकर खिला देने चाहिए। अगर माता के कारण कब्ज है तो माता को चाहिए कि वह क्या करे, रेशे युक्त फल का, यानी कि जिसमें रेशे प्रेजेंट हो। अब ऐसे फल कौन कौन से हैं जिनमें रेशे प्रेजेंट होते हैं उनको करना चाहिए, चोकर सहित आटे की रोटी, छिलके सहित दाल खानी चाहिए, और सलाद अधिक से अधिक मात्रा में खाना चाहिए, और शिशु को दूध पिलाने से पूर्व माता को पानी पी लेना चाहिए। शिशु के जो हाथ पैर हैं उनकी मालिश की जानी चाहिए, जिससे उनकी जो अंतड़ियाँ हैं यानी कि उसके अंदर की जो आते हैं और उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो सक्रिय होकर एक्टिव हो जाती है। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 4 मिलीमीटर शिशु को देना चाहिए। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, यानी कि छूने का पानी, एनिमा और किसी भी प्रकार का सपोर्टरी बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं देना चाहिए। यानी कि कई लोग तो क्या करते हैं कि अगर बच्चे को कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर कोई भी बीमारी होती है तो बिना डॉक्टर से चेक करवाए, यानी कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए डायरेक्टली बच्चों को मेडिसिन दे देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी प्रकार के कोई भी मेडिसिन बच्चों को डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं वायु विकार, फ्लैटुलेंस। अब हम आगे बात करते हैं, अगली प्रॉब्लम होती है बच्चों में पाचन से रिलेटेड, वो होती है नवजात शिशु को जब गलत तरीके से दूध पिलाया जाता है तो बच्चे के शरीर में दूध के साथ साथ वायु भी एंटर कर जाती है, और ये जो वायु होती है आंतों तक पहुंचकर उनका विस्फारण कर देती है, यानी कि डिस्टेंशन कर देती है, जिससे शिशु के जो पेट है उसमें असह्य पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। वायु विकार यानी कि वायु एंटर करेगी, और बच्चे के शरीर में वायु एंटर कैसे करेगी, यानी कि अगर बच्चे को गलत पोजिशन में दूध पिलाया जा रहा है तो उसे क्या होगा, वो जो वायु है दूध के साथ साथ उसके शरीर में चली जाएगी, आँत तक पहुँच जाएगी, और फिर वो आँत तक पहुँच कर उसके शरीर में दर्द उत्पन्न करेगी, जिसे हम लोग वायु कब्ज भी कह सकते हैं। शिशु का फलत शिशु के पेट में हवा के कारण उसका पेट फूल जाते हैं, यानी कि उसका पेट फला हुआ रहेगा। कभी कभी ये जो दूध होता है ये श्वसन नलिकाओं में भी प्रवेश उत्पन्न कर खांसी उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये कभी कभी क्या होता है जब बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है गलत पोजिशन में, वह जब वायु एंटर कर रही है तो वह क्या करती है, श्वास नलिका में भी प्रवेश कर जाती है। अगर वायु को डकार दिलवाई जाती है तो उसे फिर दूध पिलाना चाहिए, यानी कि जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे उसके शरीर में जितनी भी अगर वायु एंटर हुई होगी तो वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और ये जो वायु विकार की समस्या फिर नहीं आती है। इसके लिए दूध पीने तक जिसके माध्यम से बाहर ना निकला जाए तो फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद रहती है, फलत जो पेट हमारा फूला हुआ रहता है, ऐसी स्थिति में शिशु दूध नहीं पी पाता। अब ये जो वायु विकार किस कारण से होता है, जब डायरिया की समस्या हो जाती है या फिर जब शिशु को बहुत ही जल्दी जल्दी यानी कि फास्ट दूध पिलाया जाता है ऐसे कंडीशन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दूध पिलाने के बाद उसको बर्पिंग नहीं करवाई जा रही, यानी कि जब बच्चे को स्तनपान कराने के बाद उस पर बर्पिंग नहीं करवाई जा रही या फिर उसको डकार नहीं दिलवाई जाती, तो वो जो वायु एंटर हुई है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वायु एंटर हो जाए, या फिर कुछ केस ऐसे होते हैं कि कभी अगर वायु एंटर हो जाती है तो उसके लिए डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हुई है तो वो भी बाहर निकल जाती है। फिर है कि दूध पिलाने वाले जो निप्पल है उसका जो छेद है वो काफ़ी छोटा होता है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो वायु विकार है ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो वायु विकार है इसके लिए हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं, अत्यधिक कष्ट की स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि जब हमें लगे कि ये जो वायु विकार की समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर है
बच्चे के सिर का सहारा देकर अपनी हथेली पर लेटाइए, यानी कि बच्चे के जो स्तनपान कराने की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही सटीक रखनी चाहिए, यानी कि जैसे डॉक्टर बताते हैं उसी पोजीशन में वो बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। यदि वायु विकार के कारण पीड़ा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शिशु के पेट पर जैतून या फिर नारियल के तेल की मालिश करने पर भी उसे आराम मिल सकता है, यानी कि जब बच्चे में अगर वायु विकार की समस्या हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चे के सिर पेट पर जैतून या फिर नारियल का तेल से मालिश की जाए हल्के हाथों से तो फिर उसे क्या हो सकता है, आराम मिल सकता है। तो अभी हम लोगों ने वायु विकार की समस्या देखी, फिर जो अगली पाचन संबंधी समस्या होती है बालकों में वो है कॉलिक। क्या है कॉलिक? आंतों में कॉलिक होने के कारण वायु विकार या फिर आंतों में जलन होने लगती है, यानी कि जो वायु विकार है वो किससे रिलेटेड है, आंतों से रिलेटेड, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। गलत तरीके से अगर दूध पिलाया जाए तो बच्चे के शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती है और यही क्या होता है, कॉलिक कहलाता है। अब ये किन कारण से होता है या फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या है, यानी कि कब कैसे पता चलेगा कि बच्चे में कॉलिक की समस्या उत्पन्न हुई है? जब बच्चे को दूध पिलाया जाएगा तो वो बच्चा जोर जोर से रोएगा या फिर चिल्लाने लगेगा, उसके पेट में बहुत पीड़ा होने लगेगी या फिर रोने से शिशु का मुंह लाल हो जाएगा, उसकी जो मुठ्ठियाँ है वो बंद हो जाएगी। फिर हम लोग और कहते हैं कि और लक्षण दिखाता है कि बच्चे के जो हाथ पैर है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर वह बच्चा दूध नहीं पी पाता, शरीर में ऐठन यानी कि स्ट्रेंज उत्पन्न हो जाता है और पेट में वायु होने से गेंद की तरह गोल होकर फूल जाता है। यानी कि जब बच्चे में कॉलिक की समस्या उत्पन्न हो, कॉलिक के आंतों में होने वाली समस्या, यानी कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाए तो बच्चे के शरीर में अगर वायु एंटर हो जाती है उसके पेट में जलन होने लगती है, पेट फूल जाएगा, मुठ्ठियाँ बंद हो जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ पैर टूटना शुरू हो जाएंगे, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स एक बच्चा जब शो करता है तो इसका अर्थ है कि उस बच्चे में कॉलिक की समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी है। अब इसका उपचार किस तरीके से किया जाता है? माता को पेट से वायु को दूर करने के लिए गर्म पानी की बोतल से सेक करना चाहिए, यानी कि उसके पेट को ठंडक दिलाने के लिए, उसके पेट का जो दर्द है उसको शांत करने के लिए बोतल में गर्म पानी भर के उससे सिकाई करनी चाहिए। फिर एंटी फ्लैटुलेंट दवाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कब? सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करके, यानी कि डॉक्टर के परामर्श पर, यानी कि सिर्फ डॉक्टर के परामर्श पर ही क्या करना है, इन दवाइयों का उपयोग करना है। अत्यधिक कष्ट की स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। शिशु के सिर का सहारा देकर उसे अपनी हथेली पर लेटाना है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जितनी भी मोस्टली पाचन संबंधी समस्याएं हो रही है वह दूध पिलाने की पोजिशन से, यानी कि जितनी भी पाचन संबंधी समस्याएं होगी वह दूध पिलाने से रिलेटेड है और इसमें भी कौन सी, इनकी स्थिति से, यानी कि अगर दूध पिलाने की स्थिति सही है तो किसी भी प्रकार की जो पाचन संबंधी समस्या है वो बच्चे में नहीं हो पाती। हाथ की गर्मी से मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है और वायु बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर दूध पिलाते समय बच्चे का माता द्वारा अपना हाथ बच्चे के शरीर के नीचे रखा जाता है जिससे हाथ की गर्मी से उसकी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिव हो जाएगी और अगर अंदर जो वायु होगी तो वह बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन हम लोग कर सकते हैं कब, अगर जब बच्चे को कॉलिक की समस्या दिखाई दे। फिर हम लोग देखते हैं जो अगला रोग हो सकता है वो है नैपकिन का काम। अब नैपकिन यानी कि जो बच्चों को डायपर के रूप में यूज़ करवाया जाता है उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ घाव हो सकते हैं। शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत ही कम होती है क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें अभी तक इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वह इतने दिन तक माँ पे डिपेंड था और जब इस एनवायरनमेंट में आया तो उसका शरीर का डेवलपमेंट होते होते थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, अतः शिशु शीघ्र ही संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों को जो रोग है वो जल्दी कैच कर लेते हैं, यानी कि बच्चे जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अगर स्वच्छता का अभाव होता है यानी कि अगर साफ सफाई ना रखी जाए तो शिशु को कई बीमारियाँ घेर भी सकती हैं। अगर शिशु ने नैपकिन को गीला कर दिया है यानी कि बच्चे का जो बच्चे के द्वारा जो डायपर का यूज़ किया जा रहा है अगर वो गीला है और अगर उसको समय पर नहीं हटाएं तो उसकी वजह से उसके शरीर में उसकी जो स्किन है उस पर कई तरीके के रैशेज हो सकते हैं क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, इसलिए उन्हें तुरंत सूखे नैपकिन से बदल नहीं जाए तो इससे कई
कीटाणुओं का आक्रमण हो जाता है, ठीक है, कीटाणुओं का आक्रमण हो जाता है जिससे वहाँ पे क्या हो सकते हैं, घाव या फिर रैशेज हो सकते हैं। नैपकिन के कारण जो घाव उत्पन्न होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नैपकिन रैशेज कहा जाता है। यानी कि अगर जब गीले नैपकिन को नहीं बदला जाता है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे की स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं। अब ये जो रैशेज है किन कारण हो सकते हैं, पहला है स्टेफिलोकोकस जीवाणुओं के आक्रमण के कारण, यानी कि जब हमने नैपकिन चेंज नहीं किया है तो उस कंडीशन में वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है इसके कारण। प्लास्टिक के जो नैपकिन का उपयोग करने से वायु अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और अंततः घाव हो जाते हैं। यानी कि अगर जो नॉर्मली जो कपड़े वाले यूज होते हैं उनमें क्या होता है, वायु उसके अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि वो गीला हो गया तो वह एयर को कैच कर लेता है, जिससे अगर वहाँ पे एयर है यानी कि नमी है तो नमी के साथ साथ वो हवा के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ पे रैशेज हो जाएंगे। फिर अगर गीले नैपकिन अगर ज़्यादा देर तक शिशु पहने रखता है तो भी वो नम जगह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे और वहाँ पे रैशेज हो सकते हैं। शिशु की त्वचा होती है वो काफ़ी कोमल होती है, इसलिए जो नैपकिन होते हैं उनको टाइट ना बांध कर हल्का लूज रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसको टाइट बांधा जाएगा तो वहाँ से उसकी जो स्किन है, बच्चे की स्किन भी निकल सकती है। और तथा नीचे की जो गुलाबी त्वचा है वो ऊपर आ सकती है, यानी कि बच्चे की जो ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और जब बहुत ज़्यादा टाइटली अगर नैपकिन को बांधा जाएगा तो नैपकिन निकालते समय ऊपर की जो पतली लेयर है वो भी हट जाएगी और बच्चों के शरीर के नीचे की जो पिंक कलर की लेयर होती है वो ऊपर आ जाएगी और डायरेक्ट हवा के कॉन्टैक्ट में आएगी और वो इन्फेक्टेड हो जाएगी और फिर वहाँ पर रैशेज हो सकते हैं। फिर ये जो नैपकिन है, नैपकिन के कारण जो रैशेज हो रहे हैं इनके द्वारा हम लोग इस रैशेज को रोकने के लिए हम कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम नैपकिन को बहुत तुरंत ही यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंटरवल के बाद चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं बांध सकते हैं, और क्या क्या उपचार कर सकते हैं। नैपकिन से जो घाव उत्पन्न होते हैं उनको तुरंत ही ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए यह घाव विकराल रूप धारण न कर ले, इसके लिए हमें क्या करना है कि वहाँ पे छोटे छोटे दाने न निकल आए, इसके लिए हम लोग प्लास्टिक के नैपकिन का उपयोग हमें कभी नहीं करना है। और जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं बच्चों को नहीं पहनाने, क्योंकि वो बॉडी से चिपक जाते हैं। जो गीले नैपकिन होते हैं उनको तुरंत बदल देना चाहिए, टाइट नहीं बांधना चाहिए, जहाँ पे घाव हो वहाँ पे मलहम लगा देना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर घाव हो चुका है तो उसको खुला में ना रखें, यानी कि उसके आसपास जो चींटियाँ वगैरह हैं या फिर मच्छर वगैरह हैं वो उस घाव पे ना बैठे, इस बात का भी पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये क्या था नैपकिन रैशेज के बारे में। फिर है आँखों का संक्रमण, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें आँखों का भी संक्रमण किस प्रकार हो सकता है। शिशु की जो आँखें होती है उनमें जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही शीघ्र हो सकता है, इसलिए शिशु के आँखों पर ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए शिशु की आँखों का और ध्यान रखा जाना चाहिए। और शिशु की आँखों से जब लगातार पानी निकलना शुरू हो जाए, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में शिशु की आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो हमें इस बात को तुरंत ही नोट कर लेना चाहिए, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे की जो आँखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर है शिशु की इस रोकथाम के लिए, यानी कि शिशु के इस आँखों के संक्रमण की रोकथाम के लिए हमें बच्चे के चेहरे को छोटे से बाउल में पानी लेकर गर्म पानी से भिगोकर चेहरे को साफ कर लेना चाहिए। अब ये जो आँखों का संक्रमण है यह किन कारण से हो सकता है, यानी कि बच्चे में जो आँखों का संक्रमण है यह किन कारण से होता है। आँखों का दुखना या फिर आँखों से कॉन्स्टेंटली पानी निकलना इन्फेक्शन के कारण होता है। पानी निकलना संक्रमण के कारण, जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, लैक्रिमल ग्रंथि के जो छिद्र होते हैं के रुकने के कारण आँसुओं का स्नावन नहीं हो पाता, अतः आंखें लाल हो जाती हैं और आँखों से पानी निकलने लग जाता है और आसपास की जो गंदगी और धूल मिट्टी होती है आँखों में प्रवेश कर जाती है और आँखें दुखने लगती हैं और वह ना कर आँखों को लाल कर देती है। यानी कि जब आँखों के जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, यानी कि जब उसके पोर्स बंद हो गए तो आँखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्मली हमारी आँखें नम रहती है तो अगर लैक्रिमल ग्रंथि है उसके छेद बंद हो गए, अगर लैक्रिमल ग्रंथि के छेद बंद हो गए तो आँखों से पानी नहीं निकलेगा तो वह रेड हो जाएगी और जब वह रेड हो जाएगी तो आसपास के जो हमारी धूल मिट्टी वगैरह उड़ रही है वो आँखों में चली जाएगी और आँखें दर्द करने लग जाती है।
तो ये आंखों का इन्फेक्शन है। फिर हम लोग करते हैं ये जो आंखों का इन्फेक्शन हो रहा है यह कैसे शो होता है, यानी कि कैसे पता चलता है। जो बच्चे की आंखें हैं जनरली लाल हो जाएगी, आंखों से कॉन्स्टेंटली पानी निकलेगा, आंखों में कीचड़ के समान पीला द्रव निकलने लगता है, यानी कि आंसुओं के साथ साथ जो पीले रंग का अगर द्रव लिक्विड निकलने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में आंखों का इन्फेक्शन हो चुका है। शिशु की जो पलकें होती है वो चिपक जाती है, यानी कि जनरली जब आंखों का इन्फेक्शन हो जाए तो शिशु की पलकें चिपक जाती है, और कब, जब वह सोकर उठता है। फिर है, कई बार अत्यधिक आंखें दुखने के कारण आंखें सरलता से खुल भी नहीं पाती, और अगर खोला है तो दर्द होने लगती है, यानी कि जब हम लोग बहुत टाइम तक बच्चा सोता है यानी कि सोने के बाद उठ जाता है तो उसकी आंखें चिपक जाती, यानी कि जो आंखों में जो द्रव है वो बहुत उसकी पलकों को चिपका देता है, तो ऐसे कंडीशन में जब वो खोलने की कोशिश करता है तो उसे दर्द महसूस होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे तो क्या है, उसकी आइज क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर है कि हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला उपचार है, हमारी जो आंखें हैं बहुत ही ज़्यादा कोमल होंगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। संसार के हर गतिविधि को देखने के लिए हमारी आंख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, अतः इसकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आंखें दुखना प्रारंभ हो या फिर आंखें लाल दिखाई दे, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी बात है, आंखों और चेहरों को बिन संक्रमित जल से प्रतिदिन धोना चाहिए, यानी कि हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। विसंक्रमित पानी में थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालकर अच्छी तरीके से दिन में 2 से 4 बार धो देना चाहिए, यानी कि अगर हम नॉर्मल पानी से भी आंखें धो सकते हैं या फिर पानी में थोड़ा सा बोरिक पाउडर डालकर भी आंखों को धो सकते हैं। हल्के हाथों से शिशु की आंखों को स्वच्छता एवं मुलायम कपड़े से पोंछना चाहिए। आंखों को कभी न तो मलना चाहिए ना ही जोर से रगड़ना चाहिए, हल्के हाथों से उसे साफ करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह लेने पर ही मलहम लगाने चाहिए, यानी कि जो भी आई ड्रॉप्स वगैरह है ट्यूब है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें यूज़ करनी है। फिर है, आंखों को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, यानी कि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। गंदगी और धूलकण से आंखों को हमेशा बचाना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं जब बच्चे में आंखों का इन्फेक्शन हो जाए। फिर है नाभि का संक्रमण। अब नाभि का संक्रमण कैसे, नाभि का संक्रमण वही है जिसे हम लोग अपरा कह रहे थे। हम लोगों ने जब प्लेसेंटा के बारे में बात की थी, जब हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, प्लेसेंटा देखा था जिसमें जन्म होने के बाद इसको काट कर अलग कर दिया जाता है। जन्म के पश्चात शिशु की जो नाभि होती है उसको काट कर माता से अलग कर लिया जाता है, परंतु जन्म के नाभि नाल को काटने के समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमेशा नाभि को नए ब्लेड से काटा जाए तथा नाभि को बांधने के लिए नए धागे का उपयोग किया जाए। यानी कि जब भी अगर बच्चे का जन्म होने के बाद इस नाभि को कट किया जाता है, यानी प्लेसेंटा को काटा जाता है माँ से अलग करने के लिए, यानी कि जब उसको काटा जा रहा है तो काटने के लिए नए ब्लेड का यूज़ करें, क्योंकि अगर पहले यूज़ की हुई ब्लेड का हम लोग फिर से यूज़ करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है। या फिर उसको कट करने के बाद अगर हम धागे से अगर बांध कर अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी नए धागे का उपयोग करना है, क्योंकि अगर हम पुराने धागे का उपयोग करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अगर ऐसे कंडीशन में अगर इन्फेक्शन हो भी गया, यानी कि उन्होंने पुराने ब्लेड का उपयोग किया है या फिर कि पुराने धागे का उपयोग किया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रतिदिन नाभि नाल का परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि जो यूबेलिकल कॉर्ड है इसके लिए जो टेस्ट होते हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। जब नाभि नाल बहुत ही गीली होती है इसलिए नाभि क्षेत्र में संक्रमण हो जाता है। संक्रमण ना हो इसके लिए हमें क्या रखना है, इसको शुष्क रखना है, यानी कि इसको गीला नहीं रखना है। नाभि नाल की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। मल लगे वस्त्र को तुरंत बदल देना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र पहनाना चाहिए। यदि नाभि से दुर्गंधपूर्ण निष्कासन हो रहा है तो चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक्स की दवा दी जानी चाहिए। तो ये सारे हम लोग उपचार कर सकते हैं जब बच्चों में क्या हो जाए, यूबिनल कॉल का इन्फेक्शन हो जाए। फिर है स्तनों में सूजन। नवजात शिशु चाहे लड़का हो या लड़की के स्तन बहुधा जन्म के दूसरे या फिर तीसरे दिन में सूज जाते हैं। इनके बच्चे का जब जन्म हुआ, नवजात शिशु के जन्म होते ही उनके जो स्तन होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, वो थोड़े से स्वेल हो जाते हैं और कड़े या फिर थोड़े गर्म हो जाते हैं।
ऐसा गर्भस्थ शिशु के रक्त में से मात्रा कम एस्ट्रोजेंस हार्मोन के निकल जाने से स्तन के उत्तेजन के कारण होता है। यानी कि ऐसा कब होता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म होते बच्चों में जो माता के द्वारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाते हैं, तो बच्चे के जो स्तन है वो क्या जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। समय से पूर्व होने वाले जो शिशु होते हैं, यानी कि टाइम से पहले जिन बच्चों का जन्म हो जाता है, उनके स्तनों में सूजन नहीं होती है। जो शिशु के निप्पल्स होते हैं उनको दबाने से दूध निकलता है, जिसे विच मिल्क कहते हैं। कभी कभी लड़कियों में मिथ्यारोजोरम यानी कि स्यूडो मेंस्ट्रुएशन भी देखने को मिलता है। इसका कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं है। यानी कि कभी कभी जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब वो लड़का या लड़की, तो लड़कियों में मोस्टली क्या हो जाता है, स्यूडो मेंस्ट्रुएशन दिखने लगता है। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें क्या हो गया, मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या फिर कभी कभी कैसा लिखने लगता है कि लड़कियों में या फिर जो भी नवजात शिशु होते हैं उनके अगर निप्पल्स को थोड़ा सा भी दबाया जाता है तो उनमें से मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विच मिल्क कहते हैं। गर्भस्थ शिशु के रक्त प्रवाह में जब एस्ट्रोजन हार्मोन के चले जाने के कारण मुलायम कपड़े होता है, यानी कि जो गर्भस्थ शिशु होते हैं, गर्भस्थ शिशु के जो स्तन होते हैं या फिर उनके जो बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो ब्रेस्ट है उनमें स्वेलिंग की समस्या आने लगती है। इसके लिए हम लोग क्या उपचार कर सकते हैं, जब शिशु के स्तन सूज जाते हैं तो माता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके स्तनों को दबाकर दूध नहीं निचोड़ना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, जो निप्पल्स होते हैं उनमें संक्रमण होने का खतरा रह सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली हर एक शिशु में पाए जाते हैं, तो 6 से 7 दिन के बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कभी कभी रक्त के रेशे भी पाए जाते हैं। ऐसी उल्टी शिशु द्वारा प्रसव के दौरान श्लेष्मा व रक्त जन्म के समय उल्टी, यानी कि अब हमारी जो अगली बीमारी है वॉमिटिंग। नवजात शिशु में उल्टी होना एक आम सी बात होती है, और जन्म के 24 घंटे के दौरान जो उल्टी होती है उसे म्यूकोइकस या फिर कभी निगालने के कारण होती है। यानी कि अगर हम जनरली बात करें कि जन्म होते बच्चे में जो उल्टी होती है, कि नवजात शिशु में उल्टी होना एक सामान्य सी बात है, और जो 24 घंटे के दौरान जो उल्टी होती है उसमें म्यूकोइस होता है या फिर रक्त के छोटे मोटे रेशे पाए जाते हैं। अगर शिशु को कृत्रिम दूध यानी कि ऊपरी दूध पिलाया जा रहा है, तो दूध के संगठन में सही अनुपात से रहने के कारण वमन होता है, यानी कि जो उसमें दूध का कंपोनेंट है वो सही नहीं है, तो भी बच्चे को क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि उसमें कब्ज की अपच की समस्या हो जाती है। आमाशय के जो कार्डियस स्फिंक्टर्स होते हैं कि शिथिल यानी कि लूज ढीले हो जाने से भी उल्टियाँ हो सकती है। अगर उल्टी में पित्त के समान हरा रंग है तो यह हमेशा ही अतिरिक्त यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत देता है, यानी कि वॉमिटिंग होते समय उसका रंग क्या है अगर हरा कलर है, तो ये किसको इंडिकेट करता है कि बच्चे को क्या हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। निरंतर यानी कि रेगुलर उल्टी होने से शिशु के शरीर में जो जल की मात्रा है वो कम हो जाती है, की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और पाचन तंत्र में विकार, मूत्रमार्ग का संक्रमण एवं आंतरिक अवरोधन के कारण भी निरंतर वमन हो सकते हैं। यानी कि जब बॉडी में लिक्विड की मात्रा बहुत कम हो गई है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, उसका जो मूत्रमार्ग है यानी कि रूइन वाला एरिया है वो इन्फेक्टेड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि बच्चे में वॉमिटिंग की समस्याएँ हो सकती है। अब क्या उपचार किया जा सकता है, उल्टी होने के कारणों की जांच करवानी चाहिए डॉक्टर्स के पास जाके। अगर शिशु को उल्टी जन्म के 24 घंटे के दौरान होती है, तो फिर शिशु के आमाशय की धुलाई 5% ग्लूकोज और 30 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाकर की जानी चाहिए। शिशु को अगर ऊपरी दूध पिलाया जा रहा है तो उसमें अधिक पानी डालकर पिलाया जाना चाहिए, यानी कि माँ का दूध अगर उपस्थित नहीं है तो बाहर से दूध पिलाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा पतला करके, जिससे बच्चे आसानी से पी पाए, यानी कि उसमें पानी मिला कर देना चाहिए। बच्चे की बोतल या फिर उसके आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उल्टियों के जो कारण होते हैं, अंतःश्वसन में घुटन हो सकती है, यानी कि अगर जब उल्टियाँ होती है तो बच्चे में सांस लेने की समस्या हो सकती है, इसलिए बच्चे को करवट लेट कर लिटाना चाहिए ताकि शिशु के श्वसन मार्ग में उल्टी प्रवेश न कर सके। यानी कि जब बच्चे में उल्टी हो रही है तो वॉमिटिंग होते समय बच्चे में सांस लेने में समस्या हो सकती है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को करवट लिटा कर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे कि वो जो वॉमिटिंग है श्वसन मार्ग में एंटर
न कर पाए। फिर है पीलिया, यानी कि जो जॉन्डिस बच्चों में होता है। सामान्यतः जितने भी नवजात शिशु होते हैं जन्म से लेकर 10 दिन तक पीले हो जाते हैं, यानी कि जो 10 दिन का समय होता है जब बच्चे का जन्म से लेकर 10 दिन है, तो बच्चे का जो शरीर है वो पीला पड़ने लग जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पीलिया यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। नवजात शिशु में जो आरबीसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जन्म के पश्चात वे आरबीसी टूट जाती है, जिससे रक्त में बिलीरुबिन नामक जो रंजक है वो बढ़ जाता है, और ये रंजक जल में घुलनशील होते हैं। इनका उपयोग शरीर में जो बाइल जूस है, यानी कि जो पित्त रस होता है, उनको बनाने में किया जाता है। परंतु नवजात शिशु में एंजाइम निर्माण की प्रक्रिया धीमे होती है या फिर होती ही नहीं, जिससे इसके रक्त का जो रंग है वो पीला हो जाता है, और शिशु की जो त्वचा का जो रंग है वो नींबू के समान पीला हो जाता है। यकृत और प्लीहा के आकार में वृद्धि नहीं होती है, और शिशु को भूख नहीं लगती है, शिशु को नींद अधिक आती है, और मल का रंग सामान्यतः रहता है। यानी कि पीलिया कैसे होता है, जो छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी पाई जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही बच्चे का जो शरीर है वो लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कि उसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है। और जब बच्चे का जन्म हो गया आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है, तो आरबीसी का काम होता है वो शरीर में ब्लड को बनाने में मदद करे। यानी कि जब आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या करती है, बिलीरुबिन इसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद ये जो आरबीसी है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो जिसमें बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैल गए, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट था, ये पूरे शरीर में फैल गया। अब ये पूरे शरीर में फैल गया, और ये क्या होता है, बिलीरुबिन पानी में घुलनशील होता है, यानी कि पानी के साथ घुल जाता है। यानी कि अब ये जो बिलीरुबिन था ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और शरीर में घुल गया। अब बच्चे को जब पानी पिलाया जा रहा है, तो वो जल के साथ घुलनशील होकर पूरे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या हो गई, आरबीसी में कमी हो गई। अगर आरबीसी की कमी हो गई तो शरीर में पीलापन बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फिर है पीलिया किन कारण से हो सकता है, ये जानना आवश्यक है कि पीलिया कब हुआ। अगर जन्म के बाद शिशु को 24 घंटे के भीतर ही पीलिया हो जाता है, तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं। आरएच फैक्टर, एबीओ रक्त समूह में असमानता, या फिर किसी अन्य एंजाइम के कारण भी ये होता है। माता को अगर गर्भकाल से ही फिनोबार्टिटोन नामक औषधि सेवन करवा दी जाए, तो बच्चे में पीलिया होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। प्राकृतिक पीलिया होने पर, यानी कि अगर नेचुरली पीलिया हो रहा है, तो फिर बच्चे को प्रातःकाल सूर्य की जो हल्की धूप होती है, यानी कि गुनगुनी धूप में नग्न अवस्था में सरसों के तेल की मालिश करके आधे से 1 घंटे तक मालिश करवानी चाहिए। शिशु को मलमल के कपड़े से ढककर रख देना चाहिए, ताकि मच्छर मक्खी शिशु को परेशान न करे। यानी कि जब बच्चे को पीलिया हो जाए, यानी कि अगर नेचुरली वाला पीलिया हो रहा है 10 दिनों वाला, तो उस समय बच्चे को गुनगुनी धूप में रखकर सरसों के तेल की मालिश करके मलमल के कपड़े से ढक देना चाहिए। शिशु के आँखों पर पट्टी बांध कर उसे नीले रंग की रोशनी में रखना चाहिए, क्योंकि नीला रंग त्वचा के पास जो उपस्थित बिलीरुबिन होता है के रंग को रंग रहित करके यौगिक में बदल देता है। और शिशु को अधिक से अधिक मात्रा में जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो पिलाने चाहिए। यानी कि जो पीलिया की समस्या होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था कि शिशुअवस्था के दौरान बालकों में कौन कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था शिशुअवस्था में पाचन संबंधी समस्याएं, यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।